हेलो हेलो गैजेट प्रूफ देखने वालों, मेरा नाम है श्रेयस और आज मैं करने वाला हूँ यहाँ पे माइक्रोमैक्स इन नोट वन की अनबॉक्सिंग। और ये है फर्स्ट फ्लिपकार्ट सेल यूनिट और आज ये बहुत प्राउड मोमेंट है हम इंडियंस के लिए कि एक इंडियन कंपनी जो है वो क्विट कर गई थी और उसके बाद जो है वो अब कमबैक कर रही है माइक्रोमैक्स। तो अब हम यहाँ पे इसमें अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे कि क्या मिलता है बॉक्स में कंटेंट, क्या जो रिव्यूअर्स को जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको अलग यूनिट सेंड किया है और जो हमें कस्टमर्स होते हैं उनको यहाँ पे सेल यूनिट जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा फ्लिपकार्ट का जो बॉक्स है इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, तो इसमें आपको जो है मिंत्रा का एक फ्री वाउचर भी मिल जाता है जिसमें आप अगर 1000 की शॉपिंग करते हो तो 150 रुपीज आप सेव कर पाओगे इस वाउचर के थ्रू। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे मेन प्रोडक्ट की जो कि हमारा माइक्रोमैक्स का यहाँ पे इन नोट वन। और मैंने जो इसका वेरिएंट मंगाया है वो मंगवाया है यहाँ पे 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज का। ये जो मुझे प्राइस पड़ी वो पड़ी लगभग 10,999 रुपए। तो अब जो है हम सील को जो ब्रेक कर लेते हैं और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बॉक्स पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है वी आर इन फॉर इंडिया, तो ये काफी अच्छी बात है, हो सकता है यहाँ पे मेड इन इंडिया ही हो प्रोडक्ट। तो अब हम यहाँ पे सील को ब्रेक कर लेते हैं इसकी। तो अब मोमेंट ऑफ ट्रुथ, यहाँ पे हम जो है अनबॉक्स कर रहे हैं हमारा माइक्रोमैक्स का नोट वन इन। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो सबसे पहली चीज हमें फोन मिलता है, फोन को हम रखते हैं थोड़ा साइड में। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे कंटेंट्स की, तो हमें ये लीफलेट मिलते हैं। लीफलेट को हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो सबसे पहली चीज हमें मिलती है ये सिम ट्रे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और बात करें तो हमें यहाँ पे कुछ लीफलेट्स मिलते हैं, माइक्रोमैक्स नोट वन इन की यूजर गाइड है तो इसको भी हम रखते हैं थोड़ा साइड में। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो हमें मिलता है ये USB टाइप सी की केबल, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो USB टाइप सी वाली केबल है। और मैं बात करूँ यहाँ पे कंटेंट की तो ये हमें 18 वॉट का जो है वो फास्ट चार्जर मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो इनकी यहाँ पे आपको जो है वो ब्रांडिंग मिलती है माइक्रोमैक्स इनकी, तो 18 वॉट का ये चार्जर है तो इसको भी हम रखते हैं थोड़ा साइड में। तो अब बॉक्स में और कुछ नहीं मिलता, बॉक्स के कंटेंट को हम रखते हैं थोड़ा साइड में। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे फोन की, तो फोन को जो है हम इसका रैपर उतारते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो मंगाया वो ग्रीन कलर मंगाया इसका, क्योंकि सेल में यही वाला कलर अवेलेबल था इस वेरिएंट में और व्हाइट वाला जो कलर था वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था जैसे ही 12 o'clock सेल हुई थी। तो इसमें हमें जो ऊपर की साइड हमें ये स्क्रीन प्रोटेक्टर भी मिलता है यहाँ पे, जिसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। तो इनका आपको यहाँ पे सीधा लोगो मिल जाता है जैसे ही आप इसको बूट करते हो। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले इसमें मिलती है यहाँ पे 6.67 इंच की यहाँ पे फुल HD प्लस की डिस्प्ले। तो जो डिस्प्ले है आपको यहाँ पे रिजेम्बलेंस हो रही होगी यहाँ पे Xiaomi का जो Redmi Note 9 Pro Max आता है या Redmi Note 9 Pro या Poco M2, उससे आपको यहाँ पे रिजेम्बलेंस हो रही होगी क्योंकि उसमें भी आपको यहाँ पे IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। अगर हम बात करें पीछे कैमरा की, तो कैमरा पीछे मिलता है आपको यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का पीछे कैमरा, दूसरा जो सेंसर है वो 5 मेगापिक्सल का और दो जो सेंसर है वो पीछे 2-2 मेगापिक्सल के यहाँ पे सेंसर लगा दिया है। आगे आपको यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का जो है वो सेंसर मिलता है। अगर हम बात करें इसके कैमरा की, तो कैमरा की जो इनिशियल क्वालिटी है वो मुझे यहाँ पे ठीक ठाक लगी, इतनी कुछ खास क्वालिटी नहीं लगी। लेकिन हम बात करें यहाँ पे इसकी बैटरी की, जो कि है इसका हाईलाइटिंग पॉइंट, इसमें आपको मिलती है यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी और 18 वॉट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है। तो आपका ये 2 घंटे से कम के टाइम में चार्ज हो जाएगा, वो काफी अच्छी बात है यहाँ पे। अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर की, तो इसका प्रोसेसर जो है आपको यहाँ पे मीडियाटेक का हीलियो G85 जो प्रोसेसर मिलता है और 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज का जो बेस वेरिएंट है वो आता है हमारा 11000 का। इसमें आपको एक और वेरिएंट मिलता है जो कि है 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज, वो आपको 12,500 का पड़ेगा। सिर्फ फर्क इंटरनल स्टोरेज का है, 64 से 128 GB हो जाएगी, बस इतना फर्क है, बाकी दोनों वेरिएंट्स जो है वो सेम है, आपको सेम एवरीथिंग मिलता है। बट
यहीं पे हम बात करें इसकी डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो डिजाइन पीछे आपको यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट की बैक मिलती है, पीछे आपको ग्लास नहीं मिलता, तो आप कंफ्यूज ना हो जाना कि इन हैंड फील में आपको ऐसा लगेगा ग्लास है, लेकिन ये पॉलीकार्बोनेट की प्लास्टिक की बैक है। और जो डिजाइन है इसका वो मुझे ठीक ठाक लगा, डिजाइन डिजाइन जो है इसका एक्स पीछे बन रहा है। जो आप इन हैंड फील पूछो मुझसे, तो इन हैंड फील में मुझे थोड़ा सा जो है वो हैवी लग रहा है फोन, थोड़ा सा मतलब मैं अगर आपको अपने इन हैंड फील की बात करूँ तो थोड़ा सा मुझे हैवी लग रहा है। लेकिन मैं बात करूँ अगर यहाँ पे कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की, आप कि मुझे आप पूछो कि यार अगर आपको इनिशियल यूजेज में आपको इनिशियल जो इम्प्रेशन है आपने अनबॉक्स किया फोन, तो आपको कैसा लगा कि आपको जो फोन है उसके इनिशियल पॉइंट्स में, मैं आपको बता देता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स। अगर मैं बात करूँ उसके पॉजिटिव पॉइंट्स की, 11,000 में आपको यहाँ पे पंच होल जैसा डिस्प्ले जो है वो कोई भी कंपनी है नहीं ऑफर कर रही है, और 5,000 mAh की बैटरी मिलती है आपको यहाँ पे। और मैं बात करूँ पीछे 48 MP का कैमरा मिलता है, आगे 16 MP का कैमरा मिलता है। और मैं बात करूँ उसके पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो मुझे इनिशियल यूजेज में जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें आपको यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिला है, कोई भी ब्लोटवेयर नहीं मिल रहा आपको यहाँ पे। इसमें आपको एड फ्री UI मिल रहा है, और कंपनियाँ जो है वो एड्स वगैरह आपको दे देती है अपने फोन्स में, तो जो एक्सपीरियंस रहता है वो इतना अच्छा नहीं रहता और कंपनीज के फोन में। ये आपको बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिल रहा है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो जो मतलब स्मूथनेस है फोन की वो बढ़ जाती है। कोई भी आप 60 Hz की इसमें आपको डिस्प्ले मिलती है, कोई भी 90 और 120 Hz का पैनल तो नहीं मिलता अनफॉर्चुनेटली। बट मैं बात करूं जो जर्नल मुझे परफॉर्मेंस लगी है वो मुझे अच्छी लगी है इस फोन की। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं उसके थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स की, तो नेगेटिव पॉइंट्स पे मुझे यही अच्छी नहीं लगी बात कि चलो बजट फोन है कोई बात नहीं, तो इन हैंड फील जो थी वो थोड़ी सी अच्छी हो सकती थी इस फोन की, और कवर वगैरह कुछ भी बॉक्स के अंदर नहीं मिलता जैसे कि आपने मेरी अनबॉक्सिंग वीडियो देखी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी स्पीकर परफॉर्मेंस की, कि आप मुझसे पूछो कि इसका जो स्पीकर परफॉर्मेंस है वो आपको कैसा लगा, तो मैं आपको स्पीकर जो है इसका वो भी चला के यहाँ पे दिखा देता हूँ। और मैं बात करूंगा इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की, तो जैसा कि मैंने हाईलाइट किया, ये वाला जो कलर है इसमें जो है फिंगरप्रिंट स्मजेस वगैरह वो आपके काफ़ी इजीली आ जाएंगे, तो कवर वगैरह आप खरीद लेना इस फोन के साथ अगर आप ये वाला कलर जो है वो लेना चाहते हो। तो मैंने तो वाइट ही चाहता कलर इसका परचेज करना, लेकिन वाइट वाला कलर बहुत मुश्किल से मिल रहा था, पता नहीं किसको मिला होगा सेल में, तो अगर आपको मिला होगा तो कमेंट करके नीचे बताना कि आपको वाइट कलर जो है वो मिल गया है 11,000 वाला वेरियंट, तो उसके लिए बहुत ही यहाँ पे मारा मारी थी। अब मैं बात करता हूँ इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की, कि फिंगरप्रिंट का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर मैं बात करूं उसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो मुझे थोड़ा सा 0.3 से 0.5 सेकेंड का मतलब आप कह सकते हो कि डिले दिखता है। जब भी आप एकदम से टच करते हो तो इमिजिएटली फोन जो है वो नहीं खुलता, आपको एक वाइब्रेशन आ जाती है लेकिन इमिजिएटली जो है वो फोन नहीं खुलता आपका, तो ये इसका मुझे एक नेगेटिव पॉइंट और लगा। लेकिन मैं ओवरऑल अगर बात करूं यहाँ पे की स्पेसिफिकेशन की, और मैं आपको बताऊं कि क्या आपको ये फोन लेना चाहिए, मैं ये कहता हूं कि इंडियन कंपनी जो है वो अच्छा काम कर रही है, अच्छा प्रोडक्ट लेके आई है, इतने टाइम के बाद कमबैक कर रही है, इससे पहले अच्छा काम नहीं कर रही थी, अब जो अच्छा काम कर रही है, तो हम भी जो है वो टेक रिव्यूअर है, हम भी प्रमोट करते हैं इंडियन प्रोडक्ट्स को। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि ये फोन सिर्फ उन्हीं के लिए है, जो लोग बोलते हैं कि मुझे तो सिर्फ नॉन चाइनीज फोन चाहिए और मेरा जो बजट है वो 15,000 से नीचे है, तो वही जो है लोग ये फोन ले। बाकी लोगों के लिए मैं ये कह सकता हूं कि जो हम इंडियंस जो है चाहते हैं कि हाँ इंडियन कंपनी आगे बढ़े और इंडियन कंपनी का ही फोन लेंगे और सब कंपनीज का नहीं लेंगे, चाइनीज फोन नहीं लेंगे, तो ये फोन उन्हीं के लिए है। मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ, 11,000 रुपये आपको लगाने हैं इस फोन पे, तो आप ट्राई आउट कर सकते हो माइक्रोमैक्स को। बट मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट और वाटर टेस्ट होगा उसमें पता चलेगा कि फोन की ड्यूरेबिलिटी कितनी है, क्या फोन के पीछे स्क्रैचेस आते हैं,
क्या आगे जो है डिस्प्ले इसकी सर्वाइव कर पाती है वाटर टेस्ट में, तो ये सब मैं आपको जो है आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को और लाइक और शेयर कर दो इस वीडियो को। तो आपको मैं मिलता हूँ फिर किसी ऐसी वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।